विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व के प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए तीन चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें, वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे उत्तरदायी खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। जब आप दोषी नहीं जिम्मेदार बनते हो, उत्तरदायी बनते हो, तब आप सवाल नहीं जवाब बनते हो। तब आप दूसरों के कल्याण यानी दूसरों के हित में सोचते हो, कुछ करते हो। कम से कम दुआ, किरणें, मंगल भावनाएं, शुभ्र प्रकाश, स्वास्थ्य ऊर्जा प्रसारित करते हो। दुआ, किरणें, मंगल भावनाएं आपके द्वारा प्रसारित होती हैं। इन भावनाओं की ऊर्जा को छोटा मत समझो। पूरे दिलो जान से रोज प्रार्थना करो, जैसे इस वक्त आप तैयार हो। क्या आप तैयार हो? हाँ, आप तैयार हो। हे ईश्वर, मैं अपने मन को खोल रहा हूँ। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि विश्व कल्याण की भावना मेरे अंदर बढ़े और बढ़े। मेरी प्रार्थना का केवल और केवल
सकारात्मक असर सब पर हो, केवल अच्छा असर हो। मैं अपने मन को खोल रहा हूं ताकि सच्चे ज्ञान की प्यास मुझ में बढ़े और बढ़े। मेरे ज्ञान प्राप्ति से सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेज मंगल हो, मंगल हो। हे परमात्मा, मैं अपने मन को खोल रहा हूं, मैं अपने मन को खोल रहा हूं ताकि मेरी हर श्वास के साथ मुझ में जागृति बढ़े। मेरी जागृति से हर जीव का भला हो। मुझे मदद करो, मदद करो। मैं अपने मन को खोल रहा हूं, खोल रहा हूं, ताकि सत्य श्रवण से मेरी उलझन दूर हो जाए, मेरी सुलझन से सबके विकास में लाभ हो, मेरी उलझन दूर हो, सबका विकास हो, सबका विकास हो। हे परमात्मा, मैं स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मैं स्वयं को मानसिक दुविधा से बाहर लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ और सत्य दिखाई दे रहा है। सत्य की रोशनी में सारे विकार और अज्ञान विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। मेरी इस मुक्ति का लाभ सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हे ईश्वर, मैं स्वयं को डरों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। डर इंसान को सत्य के प्रति अंधा बना देता है, लेकिन मेरे सारे डर समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। सत्य की आंखें खुल रही हैं, खुल रही हैं। मुझे सब कुछ शुद्ध और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुद्धता, निर्मलता और साहस का फायदा सबको हो रहा है, सबको हो रहा है। सभी को अपने डरों से मुक्त होने में बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। सब प्रेम, आनंद, साहस, संतुष्टि, स्वास्थ्य से भर रहे हैं, भर रहे हैं। प्रेम, आनंद, मौन बढ़ रहा है, प्रेम, आनंद, मौन। प्रार्थना के अंत में
अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो अब इसमें आपको समझना क्या है, आपके काम की चीज क्या है? रज तम सत, ये इंसान को बिठाते हैं, दौड़ाते हैं, अच्छा दिखलवाते हैं। इनके ही वजह से इंसान कुछ करते हुए आपको दिखता है, कोई गाली देते हुए दिखता है, कोई ताली देते हुए दिखता है। लोगों को दोष देते हो कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, एक्चुअली में अंदर क्या कहना चाहिए, उसके रजोगुण ने ऐसा किया, उसके तमोगुण ने ऐसा किया, उसके सत्वगुण ने ऐसा किया। ये गुण है, ये इंसान को दौड़ा रहे हैं, ये तीन गुण इंसान से कार्य करवा रहे हैं। कोई डोर नहीं है, ये तीन गुण डोर हैं, ये इंसान को अपराध की तरफ ले जाते हैं, ये इंसान से अच्छे कार्य करवाते हैं। जो इन तीनों को जानकर इनके पार जाएगा, वही पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके जाएगा। सिर्फ सत्वगुणी को ही बन गया तो लक्ष्य पूरा नहीं होता है। लोगों ने इसको ही लक्ष्य मान लिया, सत्वगुणी बनने को। मगर युधिष्ठिर के साथ क्या हुआ आप जानते हैं, युधिष्ठिर सत्वगुणी, मगर उसने क्या किया, जुआ में अपने भाइयों को भी दाव पर लगा दिया, अपनी बीवी को भी दाव पर लगा दिया। सत्वगुणी गलतियां कर सकता है, इसलिए तीनों के पार जाना है। तो युधिष्ठिर जैसे लोग क्या करते, पृथ्वी लक्ष्य को भी जुआ में हार जाते हैं, पृथ्वी लक्ष्य को भी जुआ में हार जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म अहंकार है, सूक्ष्म अहंकार झुकने नहीं देता। मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, तो वह सुनना नहीं चाहता। कहीं तो मैं दूसरों से बेहतर हूं, यह अहंकार उसके अंदर आ जाता है। इसलिए तीनों के पार जाओ, और लोगों पर जिनसे आपको शिकायत होती है, पति है, पत्नी है, बच्चे है, पड़ोसी है, तो ये गुण हैं, ये उससे काम करवा रहे हैं, मुझे अब इन गुणों से पार जाने का रिमाइंडर दे रहे। लोगों को कार्य करते हुए देखो तो खुद को रिमाइंडर दो, मुझे तीनों के पार जाना है, क्योंकि लक्ष्य सबको अब क्लियर है, निर्गुण यानी रज तम सत से मुक्ति, यानी तेल रेत और सैंडल से मुक्ति, गुलामी से मुक्ति। इन तीनों की गुलामी हो रही है, तीनों गुणों की गुलामी इंसान कर रहा है। जब मालिक बनता है, मालिक बनने के लिए तेज स्थान पर आना होगा, मालिक बनने के लिए हेड से हार्ट पर आना होगा। तो तेज स्थान से जीना आप सीखे हैं, अब इन सब बातों को जीवन में जाकर अप्लाई करना है। इसलिए लक्ष्य आपको क्लियर हो गया, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन तीनों को काटने के लिए, जैसे लोहा लोहे को काटता है, तो इन तीन गुणों को काटने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ और गुणों को लेकर आएंगे। जैसे लोहा लोहे को काटता है,
मगर ये गुण लोहा नहीं है, जो गुण लाएंगे वो हीरे है, जो हम लाएंगे काटने के लिए वो हीरे हैं, हीरों से लोहे को काटना है। तमोगुण तो लोहा दिखता है, रजोगुण भी लोहा दिखता है, सत्वगुण लोहा दिखता ही नहीं है, वो तो अच्छा लगता है, मगर इसको भी काटकर हमें आगे जाना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।